आज इंडियन बाइक रैन सिटी में मैं बनाने वाला हूँ एक टाइनी स्विमिंग पूल जो कि बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है और इसके अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग वाटर स्लाइड भी लगाने वाला हूँ और इसके साथ ही हम इसके अंदर बुलाने वाले हैं टाइनी सिटी के टाइनी एनपीसी और उनसे पूछने वाला हूँ कि उन्हें ये वाला टाइनी स्विमिंग पूल कैसा लगा। तो आज सुबह जब जैसे ही मैं अपनी नींद पूरी करके उठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बाहर से कोई बुला रहा है, इसलिए मैं सीधे उठकर बाहर की तरफ जाने लगता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर टैनी सिटी के टैनी एनपीसी आए हुए हैं और वो लोग मुझे बोलते हैं कि फ्रैंकलिन भैया, हमें आपका स्विमिंग पूल बहुत पसंद आया, हमारे लिए भी एक ऐसा स्विमिंग पूल बना दो ना। अरे भाई लोग, अगर तुम लोगों को मेरा स्विमिंग पूल पसंद आया तो मेरे स्विमिंग पूल में नहा लो यार, ये भी तुम्हारा ही है। लेकिन फ्रैंकलिन भैया, आपका स्विमिंग पूल बहुत ज्यादा बड़ा है, हम इसमें डूब जाएंगे, हम तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको हमारे लिए एक टाइनी स्विमिंग पूल बना दो। चलो ठीक है, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए एक टाइनी स्विमिंग पूल। तो मैंने टाइनी एनपीसी को हाथ तो कर दिया कि मैं उनके लिए एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से। अरे हाँ, याद आया, मैं जब छोटा था तो मेरे पास बहुत ही सारे ऐसे ऐसे खिलौने थे जिनकी मदद से मैं टाइनी स्विमिंग पूल बनाने मदद मिल सकती है। हाँ, लेकिन वो मेरे पुराने घर में है जहाँ पर मैं पहले रहा करता था और मैं सोच रहा हूँ टाइनी स्विमिंग पूल सामने वाली टेबल पे ही बना लिया जाए। और अभी चलता हूँ मैं अपने पुराने वाले घर में, वहाँ पर जाए भी बहुत दिन हो गए, वहाँ पर भी धूल जम गई होगी भाई, बस मैं वहाँ जाऊँ और मेरे को ज्यादा ढूंढना ना पड़े उन खिलौनों को। बचपन में मतलब बहुत पहले की बात हो गई है ना यार, जब मैं छोटा था मेरे पास वहाँ पर खिलौने में ना बहुत सारी वाटर स्लाइड है जो कि छोटी छोटी है और उसके साथ साथ मेरे पास एक जेट स्की भी है छोटी और साथ ही में एक लाइट हाउस भी है छोटा सा, यानी कि मुझे टेनिस स्विमिंग पूल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें तो अपने घर से ही मिल जाएगी। और मेरे प्यारे टाइनी सिटी के लोगों ने मेरे को बोला है तो मैं उनके लिए एक अच्छा ही स्विमिंग पूल बनाऊंगा जो कि उन लोगों को पसंद आएगा। और बातों ही बातों में मैं आ चुका हूँ अपने पुराने घर पे, बहुत दिन हो गए यार अपने पुराने घर पे आए हुए भी। जब से मैंने वो नया बड़ा वाला घर लिया है ना, तो मैंने यहाँ आना ही छोड़ दिया है, अभी भी वैसे का वैसा ही अपना घर, कोई धूल वूल भी ना जमी इस पे। इस घर को देखिए पुरानी यादें आ जाओगी यार मेरी। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है मैंने खिलौने वहीं पे देखे थे। अरे हाँ, दिख गए, ये पड़े यहाँ पर टेबल पर और यहाँ पर मेरे पास खिलौनों में पूरी चार स्लाइड है और एक लाइट हाउस है और एक जेट स्की है और ये सब हमको मिल चुके हैं, इनको जल्दी से एक बैग के अंदर रख लेता हूँ। चलो भाई, यहाँ से तो हमको मिल चुके हैं हमारे जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे हमें स्विमिंग पूल के लिए, लेकिन टाइनी स्विमिंग पूल के लिए मेन चीज है वो है टाइनी स्विमिंग पूल जो कि अभी तो मेरे पास नहीं है। उसके लिए हम क्या करें यार, उसको कहाँ से ढूंढें। अभी तो इन सारी चीजों को घर लेके चलता हूँ, घर जाके सोचूंगा आराम से बैठकर। जल्दी से बैठते हैं अपनी प्यारी फॉर्च्यूनर के अंदर और इसको ले चलते हैं फुल स्पीड में भगाकर अपने घर की तरफ। मुझे लगता है मेरी फॉर्च्यूनर भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है यार, इसको भी धुलवाना पड़ेगा किसी दिन टाइम निकाल कर। चलो अभी तो घर की तरफ चलता हूँ। फाइनली अपने घर पे तो आ चुका हूँ मैं। रास्ते में ना इतनी तेज गाड़ी चलाई कि मैं ठुक जाता भाई, एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन बच गया मैं। पता नहीं कैसे अपने आप ही मैंने ब्रेक मार दी इसलिए बच गया, वरना बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता। और यहाँ पर मुझे जो भी चीजें मिली थी वो सारी मैंने टेबल पर आकर रख दी हैं और अभी हम मेरे पास यहाँ पर सारे इक्विपमेंट है, बस पास एक टाइनी स्विमिंग पूल भी नहीं है, उसको भी जल्दी से हमको ढूंढ कर लाना होगा। क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से मिलेगा मुझे ये टाइनी स्विमिंग पूल। अरे हाँ, याद आया, RGS टूल से पूछ लेते हैं ना, वो बता ही देगा हमें। RGS टूल निकाल लिया, इसमें जल्दी से लिखते हैं हम टाइनी स्विमिंग पूल लोकेशन और इसको कर देते हैं जल्दी से राइट। और ये क्या भाई, ये कहाँ की लोकेशन दिखा रहा है? ये वाली जगह तो मैं जानता हूँ यार, मैंने देखी हुई है। तो जो वाली लोकेशन हमको RGS टूल में देखने को मिली है, वहाँ पर जाने के लिए हमें एक एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो लोकेशन कहीं जमीन पर नहीं, आसमान में है। वहाँ पर हम किसी बाइक या कार की मदद से नहीं जा सकते और ना ही जेटपैक या हेलीकॉप्टर से उड़कर जा सकते क्योंकि वो जगह इतनी ज्यादा ऊंची है ना, वहाँ पर हेलीकॉप्टर और जेटपैक जा ही नहीं सकते। वहाँ पर सिर्फ पावरफुल प्लेन जा सकते हैं और हमको मिलेगा प्लेन अपने एयरपोर्ट पर जो कि हमें ले जा सकता है उस लोकेशन पे आसानी से। एयरपोर्ट पे तो मैं आ चुका हूँ और हमारे सामने ही खड़ा है वो प्लेन जिसकी हमें जरूरत है। ये प्लेन देखने में तो सिंगल पसली है, लेकिन इसके अंदर जो पावर है ना, उसके सामने बड़े बड़े प्लेन भी नहीं टिकते और यही ले जाएगा हमें हमारी मंजिल स्विमिंग पूल तक। क्योंकि कितने ऊंचाई पर है, हवा में वहाँ पर लैंड कैसे करवाएंगे यार इस प्लेन को, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, प्लेन लेके निकल चुका हूँ मैं। वह चलो अभी तो उड़ाते हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। और टेक ऑफ करा लिया है हमने और भाई साहब कितनी ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है जिसके कारण इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है यार। और हमारी मंजिल हमें दिखने लगी है, स्टंट वहीं पे जाता है, इससे हम सिर्फ ऊपर से नीचे आ सकते हैं ना कि नीचे से ऊपर जा सकते हैं, इसी कारण हमको एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ रहा है। और कितनी ऊपर आ गए हैं भाई साहब, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, सारा ऐसा लग रहा है जैसे पानी पानी हो गया हो। इतनी ऊंचाई पे तो मैं कभी घूमते घूमते भी नहीं आऊंगा जितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ अभी। और शायद मेरे को लगता है हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ पर मेरे को बस जंप करवानी है और ये करवा दी मैंने जंप। अरे नहीं नहीं, मैंने गलती से पीछे जंप करवा दिया। अरे नहीं यार, नीचे गिर गया मैं तो। नहीं भाई, गलती कर दी यार मैंने, थोड़ा पीछे जंप कर दिया यार। 2000 years later कितना टाइम लगेगा नीचे आने में भाई। आ गया यार, फाइनल नीचे आ गया। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर चला गया था ना मैं, इसको इतना टाइम लगा नीचे आने में। चलो अब
शुरुआत करते हैं फिर से, हमको वहाँ पर तो जाना है कैसे ना कैसे। और एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ कोहरे में आसमान की ऊंचाइयों में। इस बार ना मैं कोई गलती नहीं करना चाहता यार, पिछली बार तो मेरी गलती कारण मैं नीचे गिर गया था। एक तो ये प्लेन में इतनी ज्यादा पावर है ना, इसको कंट्रोल करना किधर जा रहा है भाई, अपने आप ही एक तरफ मुड़ गया यार। वही कह रहा हूँ मैं, इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है ना, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। शायद तक हमारी मंजिल हमारे सामने ही है। इस बार तो मैं पक्का लैंड करवा दूंगा, इस बार मैं कूदने वाला भाई, इससे सीधे लैंड करवा दूंगा इसको, बस भाई आराम से लैंड हो जाए। हाँ यहीं पे भाई, इसकी स्पीड क्या, मैंने इसको बंद ही कर दिया यहाँ पर भाई, नीचे चला जाए बस, आराम से चला जाए, गिरू ना मैं, बस हो जाएगा शायद, मेरे को लग रहा है देख के भाई। हो गया लैंड, अरे नहीं नहीं नीचे गए नहीं, भाई बच गया, कैसे बच गया मैं, कैसे बच गया, मतलब मौत को छुके टक से वापस आ गया भाई। देखो अपना प्लेन कहाँ अटका हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर कर देता नीचे गिर जाता। और ये रहा अपना वो टाइनी स्विमिंग पूल, इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। और टाइनी स्विमिंग पूल को मैंने अपने बैग के अंदर रख लिया, अब जल्दी से बैठते हैं इस एरोप्लेन में, चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ से एरोप्लेन निकल तो जाएगा ना भाई, निकल गया आराम से। अभी एरोप्लेन को सीधे अपने घर की तरफ ले जाने वाला हूँ। और भाई साहब मैं कितना ज्यादा ऊपर आ गया था यार, मैं आ चुका हूँ एरोप्लेन को उसकी जगह पर रख के अपने घर पर। अब मेरे पास सारी चीजें हो चुकी है, मेरे पास एक टाइनी स्विमिंग पूल भी आ चुका है और उसके साथ साथ बहुत इक्विपमेंट भी आ चुकी है। और अभी आप लोगों को टाइनी स्विमिंग पूल देख के लग रहा होगा कि इसके अंदर तो पानी ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ग्लास पानी लगेगा, बहुत ज्यादा टाइनी है ना ये, इसलिए हम इसके अंदर एक ग्लास पानी डाल देंगे जिसकी वजह से इसके अंदर पानी आ जाएगा। और अब मैंने टाइनी स्विमिंग पूल बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, और इस टाइनी स्विमिंग पूल बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगाने वाला हूँ। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने बना दिया है टाइनी स्विमिंग पूल। मुझे तो देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसके अंदर, लेकिन ये तो टाइनी है ना, टाइनी सिटी के लोगों के लिए है ये, तो जल्दी से उन्हीं को बुला लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने टेनी एनपीसी को बुला लिया और ये लोग तो आते ही इसमें खेलने लगे। और मेरे छोटे दोस्तों बताओ कैसा लगा तुमको ये टेनी स्विमिंग पूल? अरे बाप रेंगलिन भैया, क्या ही स्विमिंग पूल बनाया है आपने हमारे लिए, मजा आ गया। तो टेनी एनपीसी तो बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं अपने टेनी स्विमिंग पूल को देखकर। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बताना आप लोगों को टेनी स्विमिंग पूल कैसा लगा। और मैं लूंगा आप लोगों ऐसी एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।